Hi friends, this is your chatterbox Juhi and you guys are watching Hat Pe BTV Hua kyunki is zamana we the youngsters ka yaar mujhe lagta hai na maine kai characters ko bada pyar diya television mein main jab TV dekhti thi to wo mere life ka sabse acha time hota tha kyunki tab padhna nahi hota tha aur tab aisa lagta tha ki yahi jeevan hai but ek serial maine na itni dekhi hai ki main usually us tone mein baat karne lag gayi thi aur main aise bolti thi hey mummy kuch acha banaya ho to theek hai nahi to main jaun bahar And I thought कि मैं क्या कर रही हूँ क्योंकि उस सीरियल का इन्फ्लुएंस ही ऐसा था वैसे अब आप समझ ही गए होंगे मैं किस सीरियल की बात कर रही हूँ मेरे साथ है प्रफुल हाँ प्रफुल प्रफुल आई फील वेरी टेंशन वाला टाइम व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश हाँ एंड आपकी इंग्लिश इनकी राजीव मेहता जी की जो एक्टिंग है ना बाय गॉड ऐसी लगती है कि ही इज सो कन्विंसिंग इन इज वेरी वेरी क्रेजी रोल ऑफ प्रफुल सो सर प्रफुल मुझे लगता है कि आप क्या आप प्रफुल से रिजेंबल करते हैं 5% 10% भी कभी बिल्कुल भी नहीं जो ही बिल्कुल भी नहीं मैं बिल्कुल विपरीत हूँ नॉट वेरी एग्जैक्टली सीरियस बट मैं अननेसेसरी हंसता हंसाता नहीं रहता हूँ हाँ एक बात है कि मैं लाइफ टाइम मतलब रियल लाइफ में एज राजीव मेहता बहुत ही विटी हूँ और आई हैव क्वाइट अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर That's true, but I think that helps you to be the part of this Khichdi team, huh? I think so. Sir, but Praful एक ऐसा character था जो madly बातें बोलता था और हम madly उसे पसंद करते थे कि यार वो जो तथ्य लगाता था कि English word को कैसे तोड़ मड़ोड़ के और फिर पेश करना अब सर उस समय हम लोग बड़े ऐसे serial देखते थे जब दिमाग लगाए जाते थे और हमने Khichdi देखा है दिमाग side में रख के Absolutely, you can you know let's put it this way manmohan desai ki film aur khichdi you can you know sailing in the same boat kind of true harmless comedy 5 saal ka bachcha aur 85 saal ka dada dadi nana nani mummy papa sab ek saath baith ke drawing room mein television dekh sake khichdi dekh sake aisi harmless comedy ji सर आप वैसे के वैसे ही दिखते हैं प्रफुल मुझे उस समय भी ऐसे ही लगता था प्रफुल मुझे आज भी वैसे ही दिख रहा है मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी अगर सीजन आएगा तो तब भी प्रफुल ऐसे ही लगेगा सर क्या राज क्या सर क्या आई थिंक बाकी सब किरदार बदलेंगे शायद प्रफुल तो मैं ही करूंगा नहीं बट यू हैव मेंटेन दैट द बिकॉज हमें याद है वो प्रफुल तो हम चाहते थे कि हमें सब कैरेक्टर्स वैसे ही दिखें जैसे हमने देखे हुए हैं सो क्या इस पर टीम पे काम किया गया कि हंजा वैसी जेवर से लदी हुई रहे I'll tell you one thing, one fact. हमने पायलट एपिसोड शूट किया उसके बाद चैनल वालों ने देखा एडिटर ने देखा हमारे जो एडिट होती है सीरियल तो उनका एक कॉम्प्लीमेंट था कि 12 साल का गैप जो है वो दिख नहीं रहा जी ये इट्स अ वेरी वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ लुक्स बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ यू नो केमिस्ट्री बिटवीन ट्यूनिंग एंड केमिस्ट्री बिटवीन एक्टर्स लाइक हंसा प्रफुल्स केमिस्ट्री बाबूजी प्रफुल्स केमिस्ट्री हंसा जयश्रीज केमिस्ट्री इट स्टिल वर्किंग सो वेल एज गुड एज लाइक प्रीवियस यू नो प्रीवियस एपिसोड्स एंड प्रीवियस ऑफ द वेरी फर्स्ट सीजन सर मुझे लगता है कि आप लोग पर्सनली भी बहुत अच्छे दोस्त हैं सब एक दूसरे के इसलिए आपका जो कैरेक्टर है वो टीवी पे भी ऐसा दिखता है कि यार ये लोग ना एक दूसरे से बड़े इनबॉर्न फैमिली हैं भले ही लड़ती है झगड़ती है बट खुश रहती है नहीं अब सिर्फ मतलब एक्टर्स जो हैं वो अच्छा अच्छे दोस्त तो हैं ही लेकिन बेसिकली ऑल आर थिएटर एक्टर्स तो थिएटर का एक्टर होना इज अ वेरी गुड फाउंडेशन थिएटर इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आई टेल यू वन थिंग वेरी ऑनेस्टली एंड वेरी फ्रेंकली वन थिंग इज कि एज कम्पेयर टू थिएटर एक्टर्स कितने काफ़ी ऐसे टेलीविजन एक्टर्स हैं और फिल्म इवन फिल्म के एक्टर्स हैं जो इनके सामने कम पड़ते हैं तो ये थिएटर इज अ वेरी आपको बहुत सिखाता है थिएटर True enough. I think यही एक अभिनय है जो हमें हम तक पहुंच जाता है और हम उस चीज़ को इंजॉय करते हैं क्योंकि आप लोग उसे इंजॉय करके उस कैरेक्टर में डेप्थ तक पहुंच के उसे करते हैं सो सर इस सीरीज़ में क्या हमें वही पागलपन वही मस्ती वही बाबूजी को परेशान करना और वही हस्बैंड वाइफ की एक ट्यूनिंग सब कुछ वैसे ही होगा सर क्योंकि हम लोग बहुत एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हैं
वैसा नहीं, उससे चार गुना ज्यादा होगा, सिर्फ वैसा तो बहुत कम, इज अ स्मॉलर वर्ड, चार गुना ज्यादा, चार गुना ज्यादा। और बाबूजी को तो सिर्फ हंसा प्रफुल परेशान नहीं करते, जयशी भी परेशान करते, हिमांशु भी परेशान करता है और जो और हंसा और प्रफुल की जो, आई गिव यू वन एग्जांपल कि आप जो अंग्रेजी एक वर्ड का जो इंटरप्रिटेशन कहो या मिस इंटरप्रिटेशन कहो, जो भी कहो, जो तोड़ फोड़ के जो मीनिंग बना लेते हैं ये लोग, तो एक है कि हिमांशु बहुत बड़ा पेंटर सपोज टू बी बन गया है या उससे बनना बनना है बड़ा, तो बस काफी उसने सारे पेंटिंग्स बनाए हुए हैं तो लगाए हुए हैं घर पे, तो एक बंदा आता है देखने, अरे अरे वाह 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 हिमांशु भैया बहुत अच्छे सारे पेंटिंग्स बहुत सारे बनाएंगे, आगे चल के तुम बहुत बड़े पेंटर बनोगे, डोंट वरी मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा एग्जीबिशन रखूंगा। हाय हाय प्रफुल, एग्जीबिशन मतलब एग्जीबिशन हंसा, अरे हमारी वो हरप्रीत आंटी वो अपने सबसे छोटे बेटे बिशन को दूध पीने के लिए समझाती तो क्या कहती है, हाँ हाँ वो कहती है कि बिशन बिशन दूध पी ले, प्लीज दूध पी ले, एक सिप बिशन, एक सिप, एक सिप बिशन, एक अच्छा एग्जीबिशन, एग्जीबिशन। सो दिस इज, आई मीन दिस इज मैडनेस, this is madness, but this we love this madness, we are too truly in love with it, and I think I'm gonna rock my weekend with Khichdi, and now I'm so happy that it is coming on the floors again. So sir, all the best, and may jaisa pyar aapko bahut pehle sab jagah mila hai waisa hi pyar aapko ye season, aap bina bhule dekhna mat bhuliyega देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, मैच मत देखना, लेकिन 8 से 9 स्टार प्लस पे शनि, हर शनिवार हर रविवार 8 से 9 खिचड़ी देखना, 14 अप्रैल से हर शनि रवि 1 घंटे के लिए 8 से 9। आप एक दिन की थकान नहीं, सोम से शुक्र की 5 दिन की थकान आपकी दूर हो जाएगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग।